को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जय श्री राम। सो आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके माध्यम से मैं एक समाज को एक आज के दिन जहां पे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आज के दिन दिल्ली में चांदनी चौक पे एक सनातन धर्म को बचाने के लिए जो पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती अपना शहादत दी उस दिन पे मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ हम भी सनातन का एक हिस्सा हैं। हमारा ही ये धर्म है, हम ही जो हैं जिन्होंने इसको बचाया। और दूसरा जो अयोध्या श्री रामलला जी जहाँ पे 22 जनवरी को पधार रहे हैं वो हमारे जो बुजुर्ग थे जथेदार बाबा फकीर सिंह जी खालसा निहंग सिंह रसूल पर मैं उनकी जो विरासत में उनकी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ। सो उसकी खुशी में हम वहां पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। सो सबको मैं इस माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सब इस खुशी के मौके में सिख और जो सनातन भाई हैं हम एक खुशी को मिलके मनाएं। देखो मेरी तरफ से जो है वो तकरीबन जो 50 से 100 आदमी जो है निरंतर वहां पे ही रहेंगे, खाना हम बनाने वाले बरताने वाले उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जितना भी जो सारी व्यवस्था है वो सारे सिख जो हैं सारे सिंह जो हैं मिलके करेंगे। हम एक इसके माध्यम से पूरी दुनिया में बताना चाहेंगे कि जो सिख और सनातन जो हमारा देश है ये कोई अलग नहीं है। जो लोग हमें तोड़ने की बातें कर रहे हैं जो हमें अलग प्रेजेंट कर रहे हैं उनको इस माध्यम से एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक दूसरा बताना चाहेंगे कि ये जो राम मंदिर की जो सबसे पहले जिन्होंने वहां पे जाके मुसलमानों से कब्जा लिया मैं उन्हीं के खानदान से उनकी अंशवंश से 8वीं पीढ़ी से हूँ। वो हमारे बुजुर्ग थे वो निहंग सिंह थे वो गुरु का खालसा था। जो गुरु के खालसे ने 1858 में जो काम किया हम उसी परंपरा को आगे लेके जाएंगे ता जो हमारे गुरुओं का अपने बड़ों का नाम रोशन दुनिया में कर सके। को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जय श्री राम। सो आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके माध्यम से मैं एक समाज को एक आज के दिन जहां पे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आज के दिन दिल्ली में चांदनी चौक पे एक सनातन धर्म को बचाने के लिए जो पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती अपना शहादत दी उस दिन पे मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं हम भी सनातन का एक हिस्सा हैं। हमारा ही ये धर्म है, हम ही जो हैं जिन्होंने इसको बचाया। और दूसरा जो अयोध्या श्री रामलला जी जहां पे 22 जनवरी को पधार रहे हैं वो हमारे जो बुजुर्ग थे जथेदार बाबा फकीर सिंह जी खालसा निहंग सिंह रसूल पर मैं उनकी जो विरासत में उनकी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ। सो उसकी खुशी में हम वहां पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। सो सबको मैं इस माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब इस खुशी के मौके में सिख और जो सनातन भाई हैं हम एक खुशी को मिलके मनाएं। देखो मेरी तरफ से जो है वो तकरीबन जो 50 से 100 आदमी जो है निरंतर वहां पे ही रहेंगे, खाना हम बनाने वाले बरताने वाले उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जितना भी जो सारी व्यवस्था है वो सारे सिख जो हैं सारे सिंह जो हैं मिलके करेंगे। हम एक इसके माध्यम से पूरी दुनिया में बताना चाहेंगे कि जो सिख और सनातन जो हमारा देश है ये कोई अलग नहीं है। जो लोग हमें तोड़ने की बातें कर रहे हैं जो हमें अलग प्रेजेंट कर रहे हैं उनको इस माध्यम से एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक दूसरा बताना चाहेंगे कि ये जो राम मंदिर की जो सबसे पहले जिन्होंने वहां पे जाके मुसलमानों से कब्जा लिया मैं उन्हीं के खानदान से उनकी अंशवंश से 8वीं पीढ़ी से हूँ। वो हमारे बुजुर्ग थे वो निहंग सिंह थे वो गुरु का खालसा था। जो गुरु के खालसे ने 1858 में जो काम किया हम उसी परंपरा को आगे लेके जाएंगे ता जो हमारे गुरुओं का अपने बड़ों का नाम रोशन दुनिया में कर सके।